हेलो एवरीवन, सो आई एम एट दी दिल्ली एयरपोर्ट और अभी आज मैं बैंगलोर जा रही हूँ। हाफ इसलिए रही हूँ कि मुझे पता चला कि अर्ली फ्लाइट है, मतलब अभी एयरपोर्ट आके पता चला कि 10 मिनट पहले ही है। वैसे 9:15 की थी, अब 9 बजे की है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:30। मैं जाती हूँ इसलिए मैं थोड़ा दौड़ने लगी थी। ऊपर से मैंने हील्स पहनी हुई है तो मैं थोड़ा रेडी होके ही जा रही हूँ, क्योंकि इवेंट जो है एक दिन का ही है और 12:30 से शुरू हो जाएगा। मतलब मैं पहुँचूँगी 12:15 पे एयरपोर्ट, और उसके पास में ही ताज होटल है, वहाँ पे इवेंट है। तो जाने में फिर अगर लगा लो 15-20 मिनट और, तो मैं 12:45 तक पहुँचूँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ना रेडी वेडी, मेकअप तो मैंने पूरा कर लिया है। और आज समझ में आ रहा है जो वो 24 घंटे 48 घंटे वाले फाउंडेशन की इम्पोर्टेंस, क्योंकि आज ये सुबह से मैंने मेकअप करा हुआ है। मैंने अराउंड 7 बजे मेकअप कर लिया था और अभी इसको टिकना पड़ेगा रात के 11 बजे तक। तो बहुत सारा फिक्सर भी लगा रखा है। अभी एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं, मैं बोर्डिंग गेट के पास आ गई हूँ। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि फ़्लाइट सेम टाइम पर ही है, बट जब मैं एंटर कर रही थी तो मुझे ये अपना बोर्डिंग पास लेना था तो वो क्लोज़ हो गया। वो दिखा रहा था कि क्लोज़ हो चुका है, तो अब नहीं होगा क्योंकि अर्ली फ्लाइट है। वहाँ पर मैंने पूछा जो इंडिगो में जो हेल्प के लिए थी, तो वो कह रहे कि फ़्लाइट अर्ली है इसलिए क्लोज़ कर दिया, और जबकि फ़्लाइट सेम टाइम पर है। जो टिकट पर लिखा था 9:20, मतलब मेरे पास अभी भी 45 मिनट्स बचे हुए हैं। ये क्या एक तो ड्रामा हर बार का होता है। एक मैंने रील भी देखी थी कि कभी गेट चेंज करते हैं, कभी बोलते हैं कि इधर से जाना है उधर से जाना है, ये हो गया बंद हो गया। कितने लोगों को तो जाने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगी बोर्डिंग, टाइम हो गया, बैगेज नहीं दे सकते, जो लगेज देना होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है, और मैं तो उस रील जो मैंने देखी थी वो एयरपोर्ट वाले की, इतने चेंजेस होते हैं, ये करो वो करो, वो एक्चुअल में होता है। तो दिल्ली से बैंगलोर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, और एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने सोचा कैब कर लूँ। कैब का पूछा 500 रुपीज़ बता रहा था, फिर मुझे किसी और ने बताया कि पैदल ही जा सकते हैं, तो वहाँ से मैं पैदल ही चली गई। हील्स पहने थे तब भी मैं पैदल चली गई, शायद कितना 300 या 400 मीटर की दूरी पर था। तो अंदर अंदर से ही कॉरिडोर से रास्ता था, एकदम एयरपोर्ट के सामने ही दिख रहा था ताज होटल, तो मैं उसी कॉरिडोर से निकल गई। और ये रिगी का इवेंट था तो उसके लिए मैं गई थी, जहाँ पर चीफ गेस्ट थे महेंद्र सिंह धोनी, मतलब उनके ब्रांड एम्बेसडर है वो, तो वो भी आए हुए थे यहाँ पर। वो क्लिप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मैंने होटल एंटर कर लिया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और मेरा रूम शेयरिंग पर था, ये मुझे बाद में पता चला। पहले मैं खुश हो रही थी कि चलो मैं चैन से शांति से एक दिन रहूँगी, क्योंकि मेरे घर पर थोड़ा सा पै 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 होता रहता है ना, जॉइंट फैमिली है। तो ये मेरा रूम है, ट्विन बेड लगा हुआ है, और मैं व्यू चेक कर रही थी तो मैंने देखा ईंट पत्थर लगे हुए हैं, बिल्डिंग है बस, और कुछ भी नहीं था व्यू में। और ये रहा रूम, मैं जा रही हूँ बाथरूम की तरफ, और यहाँ पे है बाथरूम। मैं अभी जस्ट होटल पहुँची हूँ, और बाहर इतनी गर्मी थी, मुझे लग ही रहा था कि गर्मी होगी, क्योंकि मतलब मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, और यहाँ ये मेरे रेड रेड रैशेस थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, हीट की वजह से ये मुझे हो जाते हैं, इसलिए शायद मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। मेकअप बाकी मेरा ठीक ही लग रहा है, थोड़े बहुत टचअप्स करने पड़ेंगे, इधर पसीना आ गया है ना, वरना वैसे ठीक है। जस्ट ऐसा कोई टचअप ज़रूरी भी नहीं है, ये पसीना भी या जो ऑयल है ना, तो ये ऐसे शाइन और वो ल्यूमिनस ग्लो की तरह लगता है, तो इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती टचअप की। मेकअप इज़ लुकिंग फाइन, जस्ट आई नीड टू चेंज बिकॉज आई एम स्वेटिंग। यहाँ पे ना सेपरेट बेड है सिंगल में, कैसे कैसे एंगल ही नहीं पता अभी तक ये, तो अलग अलग है। और मेरा बेड के साथ पता है क्या हिसाब है, जैसे मैं अपने रूम में रहती हूँ और मैंने बाहर के कपड़े, अगर मैं ये कपड़े पहनकर अपने रूम में हूँ तो मैं बेड पे बैठती नहीं हूँ, लेटती नहीं हूँ, मैं किसी चेयर पे बैठ जाऊँगी, बेशक फ्लोर पे बैठ जाऊँगी, पर मैं बेड पे नहीं जाती हूँ। तो अभी मैं बैठ सकती हूँ क्योंकि दूसरे बेड पे दूसरी साइड मैं सो सकती हूँ। ये जो बेल बजी थी ना, तो ये कुछ हैम्पर देने के लिए आए थे रिगी से, तो मैं आपको बता रही थी ना बेड का, मैं अपने बेड पर नहीं बैठती हूँ बाहर के कपड़ों से, जर्म्स और पोलन की वजह से। तो अभी मैं इस पर आराम से बैठ सकती हूँ, लेट सकती हूँ, और दूसरे पे फिर जब मेरे साफ़ सुथरे कपड़े होंगे विदाउट एनी जर्म्स एंड पोलन, तो उससे फिर मैं सोऊंगी उस बेड पे, साफ वाले पे। अच्छा, इसके अंदर कुछ मैक्रोन्स है, और मैं ये खाती नहीं हूँ,
तो इसको मैं लेकर चली जाऊंगी। मैंने लंच कर लिया और लंच काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सिंपल था, घर जैसा ही मैंने खाना खाया। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा स्पाइसी मसाला ये सब खाती नहीं हूँ, वैसे स्पाइसी खाना था भी नहीं। सो आई जस्ट हैड दाल चावल और जो दही राइस होता है, सैलेड खाया थोड़ा सा बस। और फिर उसके बाद मैं शावर लेने के लिए आई और मेकअप करा हुआ था, मुंह पे ही मेरे इतना सारा पानी चला गया। ये देखो मेरी आँख कैसे लाल हो रही है, क्योंकि ऐसे करके जो इतना पूरा प्रेशर से पानी गया और मेरा मेकअप भी अंदर चला गया आँख के। तो ये जल्दी से बस ठीक हो जाए, जो कि इसको भी हो गए हैं 15-20 मिनट, बट ये थोड़ी सी भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही और मेरा मेकअप भी हट गया, जबकि मैं इतने अच्छे से स्प्रे मार मार के आई थी कि आज रात तक टिका रहे, बट इस पे पानी इतना सारा चला गया अभी नहाते टाइम। और मुझे अभी पता चला कि ये रूम शेयरिंग पे है, मतलब ट्विन शेयरिंग है। मैं बता रही थी ना एक और बेड है वहाँ पर, एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, यही बोलेंगे कि, और यू वांट टू यूज सम अदर टर्म, कंटेंट क्रिएटर, कॉल मी एजुकेटर। एजुकेटर। तो यशी है मेरे साथ में, जो कि अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही है। पहले मैंने खा रहा था, तो क्योंकि यार पता है प्रेस करके लाते हैं फिर भी ख़राब हो जाते हैं। और पहले तो जैसे ही द मोमेंट शी एंटर्ड इनसाइड द रूम, मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसे रूम शेयर करा नहीं है। बहुत साल पहले करा था, 2016 में लंदन में, तब मैं बहुत रोई थी 2-3 दिन तक, और रूम के बाहर ही चली गई थी, पूरे टाइम बाहर बैठी रहती थी। बट ठीक है, ये उन बदमाश बच्चों की तरह नहीं है, ये अच्छी बच्ची है। या फिर एंगेजमेंट चला जाएगा तो फोकस ऑन योरसेल्फ ही नहीं, हाँ जो आप बता रहे हो उनका टाइम का वैल्यू प्रॉपरली आप दे रहे हो तो उनको सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो इसके पास और दोबारा आते हैं सुनने के लिए। Come on everyone, are we excited? Amazed and get ready to welcome a legendary figure in the world of cricket. He is a master strategist. ऑडियंस में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड आई बिलीव कि यू नो ऑन सम लेवल बीइंग एन एथलीट एंड बीइंग अ क्रिएटर देयर आर सम पैरेलल्स। सो आज कुछ कुछ सवाल मैंने और शरण ने डिस्कस किए जो आपकी जिंदगी में कुछ कुछ जो रिलेटेबल एक्सपीरियंस है जो हमारे क्रिएटर्स को भी रिलेट कर पाए, वैसे कुछ कुछ सवाल है। तो पहला तो आप मोबाइल फोन देख रहे इतने, ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि आपको कॉल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यू आर नॉट द मोस्ट टेक सेवी पर्सन। आप फोन रखते नहीं हो आपके पास, आप व्हाट्सएप नहीं करते। डज बीइंग डिस्कनेक्टेड हेल्प? आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट एंड फोन है मेरे पास एंड द ओनली टाइम आई रियली लुक फॉर माय फोन इज रात को सोने से पहले, क्योंकि सवेरे का अलार्म लगाना होता है। सो फॉर मी माय फोन बेसिकली डज द जॉब ऑफ यू नो वेकिंग मी अप इन द मॉर्निंग। और कैंडी क्रश, कैंडी क्रश इज ऑन द आईपैड। मुझे फोन पे गेम खेलना नहीं पसंद, यहाँ पे काफी गेमर्स भी हैं, सो फोन में दिखता नहीं है, इट्स ऑल टू स्मॉल एंड आई एम एजिंग, सो एनीवेज यू नो जो भी खेलते हैं इतना छोटा हो जाता है कि दिखता नहीं है। बट एनीवेज कमिंग अप, व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। इन टू रीडिंग द कमेंट्स, यू हैव टू रियलाइज अ लॉट ऑफ पीपल दे कमेंट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन, दे ऑल्सो डोंट मीन इट बट इट्स फन फॉर देम। बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ लीन पैच, यू नो क्रिकेट में हो या लाइफ में हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू हर्ट। सो एनीवेज यू हैव सो मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यू वांट टू अवॉइड एनी अनड्यू प्रेशर। ये सारी चीजें अवॉइडेबल है, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो यू नो आई वोंट बी थिंकिंग अबाउट इट। एनीवेज जो मुझे सॉर्ट आउट करना है लाइफ के बारे में, उसके बारे में तो मैं सोच ही रहा हूँ। आई हैव क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव पेरेंट्स, गार्जियंस, दे विल हेल्प मी आउट। सो दैट वे इट हैज रियली हेल्प मी एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग द यंगस्टर्स, प्लीज यू नो जितना मिनिमल यूज करोगे उतना अच्छा है। रिलेशनशिप इन योर पर्सनल लाइफ, लाइक डज इट हेल्प, डज इट हेल्प टू हैव यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड ओवर हियर? आई डोंट नो, आई आस्क दिस क्वेश्चन एंड a lot of people laugh, you know, it's a serious question, how many are married? So that's one. Second, how many of you have a girlfriend who's steady and you think you'll get married somewhere in the future? ये कोई confess नहीं करेगा इसमें। भाई भाई आपने
how many of you have a girlfriend who will get married puch liya to kisi ko commit nahi karna hai abhi. So the interesting thing is, it's how you look at it, you know. And I feel as a man, the all the masala in our life comes from the wife. You know, she keeps our life going. You know, you may be the captain of the Indian cricket team or the ex-captain of the Indian cricket team, it hardly matters to them. You, it's a grounding factor. Yeah. You have a place in the house. And usually it's not your choice. आपको भी भेजती है धनियाला में. That's what I said. You may be the captain, you may not be the captain. And the best thing is, they will be like, सब कुछ तो तुम्हारा चलता है. Whatever you say gets done. Everything you want, you get it done. But the whole thing is, it's what they want that you are doing, and they make you feel you are doing it. It's your decision. So if something goes wrong, which can, they're like, तुमने decide किया था? मैंने तो पहले ही बोला था. So they also help us. Conception होता है, जो कि मैं clear करना चाहूँगा by ending this answer. ये मत सोचना मेरी वाली अलग है. May I please request table number 18, 17 and 16 to kindly leave them behind, please. Do not carry your cell phones. Do not carry your cell phones, please. Leave them behind. No selfies. तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और इवेंट भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, डिनर भी हो गया. अच्छा था डिनर, खाना अच्छा था. और धोनी से मिलने का मौका मिला. हम लोग स्टेज पर ऐसे एक्सक्लूसिव पिक्चर्स तो नहीं करा पाए, पर ऐसे ना ग्रुप्स में हो रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, फिर एक एक करके पॉसिबल भी नहीं हो पाता. तो सब पिक्चर्स वगैरह हो गई, खाना भी हो गया. अच्छा था इवेंट. और अभी भी शायद दोबारा नीचे जाना है. और ये ना चीज़ मिली है यहाँ पे, ये छोटा सा बैट मिला है. यहाँ पे धोनी के साइन है, ऑटोग्राफ, और यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है. तो जो भी लोग आए थे ना क्रिएटर्स, तो उनको ये दिया गया है. मैंने जस्ट अभी चेक इन वगैरह कर लिया एयरपोर्ट पे, और मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि बैंगलोर एयरपोर्ट पे ज़्यादा कन्वीनियंट है. जैसे जब हम वो ट्रे पर ना बैगेज चेक इन भी मैंने करा ही दिया, क्योंकि हाथ में मेरे ये बैग पड़ा हुआ है, इसमें धोनी का साइन बैट है, तो इसलिए बैगेज दिया, वो भी बहुत इजीली हुआ. और उसके बाद जब हम ट्रे पर सामान रखते हैं ना, अपना बैग, फ़ोन, वॉच या लैपटॉप हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वो रखना होता है. जब ट्रे निकालनी होती है दिल्ली में, तो वहाँ पर पूरा ऐसे जमावड़ा लग जाता है लोगों का, और ट्रे के लिए भी लोग बहस कर लेते हैं. मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है, नॉट ऑलवेज, पर ऐसा होता है कि ट्रे ही कम पड़ जाती है. और यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिकली हो रहा था, वन बाय वन. वहाँ पर सिक्योरिटी भी थी, तो एक एक कर कर उनको बुला रहे थे, तो सबको अपने टाइम से, मतलब लाइन के हिसाब से ट्रे भी मिल रही थी, और बहुत ईजिली सब कुछ हो गया. और यही बेटर रहता है, दिल्ली में भी ऐसे होना चाहिए. और ये मेरा ना बैग फिर चेक करा वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी में, और पूछा क्या है इसमें, तो मैंने बोला कि बैट है, धोनी ने साइन करा था. कहते किस लिए करा था, तो वो सब पूछने लगे कि क्यों गए थे, क्या इवेंट था. तो मैंने बोला कि रिगी का इवेंट था, तो उन्होंने बोला कि ये क्या होता है. तो मैंने बोला कि इस पर लोग कोर्सेज और अपना और कुछ कुछ वीडियोज़ वगैरह लगाते हैं, तो लोग उस पर देख सकते हैं जिस चीज़ से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो कहते हमारे लिए क्या है, तो मुझे लगा कुछ बोल रहे हैं. मैंने बोला बैग में नाशपाती पड़ा था, मैंने बोला नाशपाती आपके लिए खाओगे, तो उन्होंने ये पूछा था कि रिगी पे हमारे लिए क्या है. तो वो भी बड़े स्वीट से थे. या तो मुझे लगता है कि मैं जैसे जाती हूँ ना, स्पेशली मैं जब अकेले रहती हूँ, तब सब लोग इतने प्यार से बात करते हैं, इतने अच्छे से ना, मेरा 2 सेकेंड में काम हो जाता है. तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेले ही ट्रैवल करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी, हैसल फ्री और फास्ट रहता है. मैंने ना फोटो पोस्ट करी है ट्विटर पे विद धोनी, तो ये कैप्शन लिख दिया, मी एंड धोनी जी विद आर फैंस. तो उसके जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, इतने फनी है. तो मैं बैठकर, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो पोस्ट किया और कमेंट्स ही देख रही थी, तो काफ़ी फनी कमेंट्स आ रहे हैं. तो ठीक है, बट अच्छा मोमेंट था, अच्छा लगा मिलके. और पूरा इवेंट भी काफ़ी अच्छा रहा,
और देखते हैं आगे काम वाम कैसा रहता है निकी के साथ भी। और अभी टाइम हो गया बोर्डिंग का, तो जाती हूँ मैं। और आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है? बाय।